आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने बाबा गोरखनाथ के किए दर्शन, कहा स्वयं सेवक ही दूर कर सकते हैं समाज से भेदभाव। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए मंगलवार को एक प्रत्याशी ने किया नामांकन, बुधवार को होगी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। चौबीस मार्च को जिले में शुरू होने वाले बोर्ड एग्जाम को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी, जिलाधिकारी ने कहा कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की जाएगी निगरानी, नकल करते वक्त पकड़े जाने पर की जाएगी कड़ी कार्यवाही। बड़हलगंज की रहने वाली थाईलैंड की नागरिक पुष्पा यादव हत्याकांड के छठवें आरोपी तेज नारायण यादव उर्फ तेजू को बड़हलगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। 22 नवंबर 2021 को घर में घुसकर बदमाशों ने की थी पुष्पा की हत्या। कोरिया में रह रहे भतीजे गोपाल यादव ने अपनी चाची पुष्पा के चरित्र पर शक से आहत होकर सुपारी देकर हत्याकांड को दिलवाया अंजाम, एसपी साउथ ने किया खुलासा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा महायोजना 2031 का ड्राफ्ट बनकर हुआ है तैयार, नागरिकों से भी लिया जाएगा सलाह, योजना से लाखों लोगों को होगा फायदा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तहसील सहजनवा के सभागार में विधिक साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, महिलाओं को विधिक सेवा के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी। चौबीस मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, ओपीडी के 5% मरीजों का टीबी जांच कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। चौबीस मार्च से शुरू होने वाले बोर्ड एग्जाम को संपन्न कराने के लिए राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में मॉनिटरिंग सेल को किया गया स्थापित, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा बोर्ड एग्जाम, सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मियों की गई है तैनाती। पिछले साल की तुलना में 25,000 से अधिक किसानों से गोरखपुर मंडल में किया गया धान खरीद, कुल 1,25,000 किसानों से की गई धान की खरीदारी, आगे भी खरीदारी रहेगी जारी, संभागीय खाद नियंत्रक ने दी जानकारी। एमएलसी चुनाव को संपन्न कराने के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने गोलघर में चलाया वाहन चेकिंग अभियान, संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की चेक की गई डिग्गी। गोरखपुर में मंगलवार को पाया गया एक नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 215, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया प्राइज मनी चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे दिन यूपीसीए और डीएएससीबी के बीच खेला गया मैच, डीएएससीबी ने जीता 9 रन से मैच, डीएएससीबी के आरिश आलम को दिया गया मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार।